हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स बेसिस। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होगे और मैं भी एकदम परफेक्ट हूँ। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसका, टेक्स्ट बुक का थोड़ा सा प्रमोशन कर देता हूँ फटाफट, हमेशा की तरह कि टेक्स्ट बुक का ईयरली पास 527 रुपीज़ का मिल रहा है आपको। अगर आप कूपन यूज़ करते हो मेरा SSS10 का, तो आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, मेरे अलावा किसी से भी यूज़ करोगे तो भी आपको यही मिलेगा। बस मैं अभी अपनी वीडियो में इसका अपने बारे में बता रहा हूँ, बाकी वीडियो में अपने बारे में बताते हैं। ठीक है, इसके अलावा मॉक टेस्ट सबसे ज़रूरी क्यों है, चाहे आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लो, मॉक टेस्ट से ही आपको एक एनालिसिस मिल पाएगा कि आप एग्ज़ाम में कहाँ स्टैंड करते हो, कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, टेक्स्ट बुक सबसे ज़्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं और मैं भी हमेशा से टेक्स्ट बुक ही प्रेफर करता हूँ सबसे पहले, उसके बाद बाकी टेस्ट सीरीज़ की तरफ जाता था। तो इसीलिए हमेशा से कहता हूँ टेक्स्ट बुक के मॉक रिलेवेंट होते हैं। ठीक है, थोड़े इजी लेवल बनाने लग गए हैं ये, एग्ज़ाम जैसा आता है वैसे ही बनाते हैं। और मॉक टेस्ट के बाद मैं ओवरव्यू दे भी देता हूँ कि इनकी क्या कमियाँ हैं और क्या ये ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं। कौन सी सीरीज स्टार्ट करी हुई थी मैंने? मॉक टेस्ट, ये 30 मॉक टेस्ट, 30 हैं, 40 हैं, 30 शायद हैं मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट 30 से फुल लेंथ SSC CGL Tier 1 के फुल लेंथ टेस्ट हैं। ठीक है, तो ट्राई करूंगा कि ये 30 के 30 मॉक टेस्ट खत्म कर पाऊँ ये जल्दी से जल्दी SSC CGL Tier 1 के होने से पहले पहले। ठीक है, फिर जितने भी इसमें अच्छे क्वेश्चन होंगे वो मैं ट्राई करूंगा कि अलग से एक वीडियो बना के सॉल्व करा दूँ। पिछले मॉक में 30 जो मॉक 30 था उसमें मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं रहे, सिली मिस्टेक थी। 10 नंबर तो सिली मिस्टेक मैथ्स और रीजनिंग में थी, गलत होने लायक कोई क्वेश्चन था नहीं उसमें, फिर भी सिली मिस्टेक करी मैंने और पेपर एग्जैक्टली वैसा ही आता है, फिर भी गलतियाँ होती हैं। ठीक है, तो आपको वही गलतियाँ सुधारनी है अपनी। और बस अभी ये मॉक टेस्ट 29 स्टार्ट करते हैं अपन। जब तक SSC CGL Tier 1 आएगा तो हमें टारगेट स्कोर रखना है कि लास्ट 7 मॉक्स में 150 स्कोर होना चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंट रहना है हमें। इन अ कोड लैंग्वेज परमुटेशन इज कोडेड एज दिस, और क्या बताना है हमें, रुको। हाँ, पी पी से क्या होगा, 16 माइनस 7, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। PERMUTATION IBKF RMX RMX MFLG MFLG। ठीक है, 16 कितने बड़े, 4 4 8, 4 4 8 और 3 11 है। तो क्या करूँ मैं, पी ऐसे हो सकता है, ये PQR, नहीं ऐसे भी नहीं है, डायरेक्ट कोडिंग हो सकती है मे बी, और कुछ नहीं हो सकता है, डायरेक्ट कोडिंग ही होगी है। पी का क्या लिखा हुआ है, हमने आई लिखा हुआ है, यू को क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, 3 और 2 5, आर आई आर। फिर बी को क्या लिखा हुआ है, बी का हमें ई लिखा हुआ है बी को, लेकिन है नहीं इसमें, तो डायरेक्ट नहीं है वैसे। एल भी नहीं है इसमें, आई आई को क्या लिखा हुआ है, एफ आई एफ इसमें है, एम एल के, इन्हीं दोनों में फ़र्क है, ई एफ वी, वी और यू में फ़र्क है ना यहाँ पे। थर्ड में बी को क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आर को के लिखा हुआ है, 11 माइनस 6, 11 और 7 18, नहीं ऐसे तो नहीं यार, इक्कीस 7 28 यू होना चाहिए, कुछ और था उसमें शायद। इन अ रो ऑफ पिजन्स ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, इन अ रो ऑफ पिजन्स ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, P1 इज 9 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, P1 इज 9 फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड P2 इज 12 फ्रॉम द राइट एंड, P2 इज 12 फ्रॉम द राइट एंड। देर आर पिकॉक्स, देर आर 3 पिकॉक्स बिटवीन P1 एंड P2, 1 2 3, P1 एंड P3 आर इक्वी डिस्टेंस टू P4, ये कहाँ आया, P1 एंड P3, P1 एंड P3 आर इक्वी डिस्टेंस, ये हमें दिया नहीं हुआ है, नहीं बता सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है वैसे, सेकंड में फिर थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो, ये यहाँ से 9th है,
ठीक है, ये यहाँ से 12th है, पी टू इधर आ गया मान लिया, ये पी वन है, पी टू इधर है 12th, ठीक है, तीन है दोनों के बीच में, 10 11 नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। सम ट्रेन्स आर रोड्स, सम ट्रेन्स आर रोड्स, नो रोड इज जंगल, नो रोड इज जंगल, ऑल फ्लावर्स आर जंगल्स, होल फ्लावर्स आर जंगल, ठीक है, सम ट्रेन्स आर फ्लावर्स, सम ट्रेन्स आर फ्लावर्स नहीं है, सम ट्रेन्स आर जंगल, सम ट्रेन्स आर जंगल भी नहीं है, सम फ्लावर्स आर ट्रेन्स, सम फ्लावर्स आर ट्रेन्स भी नहीं है, और नो रोड इज फ्लावर, नो रोड इज फ्लावर, सही है, ओनली 4th। बट विच नंबर विल बी एट द टॉप, टॉप, अच्छा 4, ये भी तो पढ़ना है, व्हेन 4 इज, 4 के अपोजिट क्या है हमसे पूछा है, 1 2 3, 1 6 5 4 है, 4 मतलब 1 है, सी 3 4 7 4 11 4 15 4 19 4 23, और 2 4 6 4 10 4 14 4 18 4 22, वी डब्ल्यू वी किस में है, एक में है, प्लस प्लस फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो जाएगा, ये तो है नहीं, हटाओ इन दोनों को, ये बचे, ये ऊपर गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये फिर से नीचे आ जाएगा, फर्स्ट वाली फिगर दोबारा बन जाएगी। यूएसए में कांग्रेस है, इंडिया में क्या है, इंडिया में का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को कांग्रेस बोलते हैं, नहीं, यूएसए की पार्लियामेंट टाइप को बोलते हैं कांग्रेस, इंडिया में पार्लियामेंट है, सही होना चाहिए वैसे तो, 36 75, 40 और 35 और 4 39, 25 और 47 और 5 52, 62 72, 36 72 और 3 75 और 150 - 3, ऐसे होगा ये 144, 47 दूनी 94 + 3, और ये 7 दूनी 14 - 3, 2 + 3 5 आना चाहिए लास्ट में, एक ही ऑप्शन में। 8 पर्सन नेम्ड सिटिंग इन द स्ट्रेट लाइन फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, सीज 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, 1 2 सी, ठीक है, एंड बी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, बी इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, डी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है, जी इज इमीडिएट राइट ऑफ डी, तो यहाँ पे ई बचा, यहाँ पे ए बचा, हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, उसकी जरूरत ही नहीं बची, ए बी, ए बी सी डी, ई बच गया यहाँ पे ई, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ एच, ई तो यहाँ पे आ गया एच, है एच इमीडिएट राइट ऑफ एच है सी, दो 36 और नहीं कैसे हो सकता है, 3 की पावर 4 होता है, 2 की पावर 3 8, नहीं 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 निम 36, 3 का स्क्वायर 9 निम 81, 5 का स्क्वायर 25 निम 225, एस जे के एस एच एफ एस एच एफ जे के एस एच एफ जे के एस एच एफ जे के एस एच एफ जे एच एफ एस जे एच एफ एस जे एफ के एफ जे सम टीयर्स आर ड्रॉप्स, सम टीयर्स आर ड्रॉप्स, सम ड्रॉप्स आर स्ट्रीम्स, ठीक है, ऑल स्ट्रीम्स आर रिवर्स, ऑल स्ट्रीम्स आर रिवर्स, ऑल टीयर्स कहाँ गया, ऑल टीयर्स कैन नेवर बी रिवर्स, ऑल टीयर्स कैन नेवर बी रिवर्स, क्यों नहीं हो सकता, मैंने बताया,
सम ड्रॉप्स आर रिवर्स, सम ड्रॉप्स आर रिवर्स, सही है। ऑल टीयर्स बींग स्ट्रीम्स, ऑल टीयर्स बींग स्ट्रीम्स इज अ पॉसिबिलिटी। यस, पॉसिबिलिटी हर चीज़ की हो सकती है जब तक उन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है, ठीक है। ओनली सेकेंड एंड थर्ड, मतलब बोथ सेकेंड एंड थर्ड। ओलिवर डिपार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्स 20 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है, ये हाउस उसका। ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड 50 मीटर, टर्न देन लेफ्ट एंड अगेन 40 मीटर्स। ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 10 मीटर्स। हाउ फार इज फ्रॉम द पोल विच इज एग्जैक्टली 60 मीटर वेस्ट ऑफ हिज ऑफिस, ऑफिस है ऑफिस। डिपार्ट फ्रॉम हिज ऑफिस एंड वॉक्स, ठीक है। हाउ फार इज ही फ्रॉम अ पोल विच इज 60 मीटर वेस्ट ऑफ हिज ऑफिस, ये रहा 60 मीटर वेस्ट, ये रहा पोल, ठीक है। ये 20 है तो ये भी 20 है। सेलेक्ट द नीडल्स, यू नीडल से सुई करते हैं, ओवर से क्या करते हैं, हिंदी में देख लो उसको, ओवर का मतलब ही नहीं दिया। मतलब ही नहीं पता इसका तो मुझे। ओवर क्या होता है, पता नहीं, छोड़ दो अभी। 85, 15, 28, 15, 43, 484, 22 का स्क्वायर प्लस 1, 23 का स्क्वायर माइनस 1, 24 का स्क्वायर प्लस 1, 25 का स्क्वायर माइनस 1, 624, 26 का स्क्वायर प्लस 1, ऐसे होगा ये। फिगर इज एम्बेडेड, ट्रायंगल के ऊपर स्क्वायर है। ट्रायंगल के ऊपर स्क्वायर, हाँ ये रहा। इंग्लिश डिक्शनरी में ओके, 5 और 1 में से सबसे पहले कौन सा आएगा, किंडल और किंडर, ये 5 ही आएगा सबसे पहले। 1 और 3 में से सबसे पहले कौन सा आएगा, के आई एन, 1 आएगा सबसे पहले, फिर 3 है, फिर 4 और 2 में से कौन सा आएगा, नाइफ और नोब, केन आई, आई पहले आएगा, 4 पहले आएगा, 2 लास्ट में, 5, 1, 3, 4, 2। इंग्लिश डिक्शनरी 2 सबसे पहले, 5 और 3 में से कौन सा आएगा, 5 ही आना चाहिए, ओमनी, ओ एम सी, सॉरी 5 और 3 में से 5 ही आएगा, ओबियस सी बात है। फिर 3 और 4 में से कौन सा आएगा, ओ एन सी, 3 आएगा सबसे पहले, 2, 5, 3, 1 और 4 में से ऑनवर्ड, और एन ओ पी, 4 पहले आएगा, 1 लास्ट में, 2, 5, 3, 4, 1, 2, 5, 3, 4, 1। साइंस रिप्लेस करने हैं, ठीक है। डिवाइड वाले सबसे पहले देख लो किसमें, 1, 2, 3 पे डिवाइड है, यहाँ हो सकता है, ठीक है। 35 प्लस में 4 माइनस 12 डिवाइड बाय 3 इंटू में 6 इक्वल टू 5 प्लस 5, ठीक है। 4, 6, 24, 35, 4, 39, 15 आ जाएगा, ये गलत है, ठीक है। और ये तो हो नहीं सकता, और माइनस इनमें से हो सकता है, 35 माइनस 4 प्लस में 12 डिवाइड बाई 3 इंटू में 6 इजिकल टू 5 प्लस 5, ठीक है। 4, 6, 24, और ये प्लस है यहाँ पे, 6, 5, 30 प्लस 5, ये तो ज़्यादा हो गया। लास्ट वाला क्या है, 35 माइनस 4 प्लस में 12 डिवाइड बाई 3 इजिकल टू 6 गुना 5 प्लस में 5, 4, 35, 6, 5, 30 प्लस 35, डी ऑप्शन है। एक 6, 5, 4, 3, 2 बच जाएंगे यहाँ पे, यही हो सकता है। 12 जनवरी 2015 वॉज मंडे, देन हाउ, देन वट डे ऑफ द वीक वॉज 26 जैन 2016, ठीक है।
ये लीप ईयर है, लेकिन इसमें लीप ईयर ये वाला नहीं है तो इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ प्लस वन करना है। सबसे पहले तो 12 जैन और 2016 को क्या होगा हमारे पास, ट्यूसडे, ठीक है। फिर 12, ऐसे तो काउंट भी कर सकते हो आप, 12 से 26 में कितने दिन, 14 दिन और है, 14 डिवाइड बाय 2, सेम ट्यूजडे रिपीट हो जाएगा। अभी इसमें कंफ्यूजन होती है, एक बार वेरीफाई भी कर लेता हूँ मैं। 12 है ना ये, 13, 12 को ट्यूसडे है, 19 को ट्यूसडे, 26 को ट्यूसडे, सही है। 17 और 7 24, 7 दूनी 14, नहीं ऐसे कुछ नहीं है, 10 का डिफरेंस है। 17 और 7 24 और 11, 11 5 16 और 7, 7 5 35, ऐसे भी नहीं, 17 दूनी 34 और 1, 11 दूनी 22 और 1, इसका क्या यूज़ है फिर, 23 दूनी 40 एक, 7 5 35 है, इसका क्या यूज़ है 5 का, यहाँ पे सिंपली मिरर इमेज है और कुछ भी नहीं है इसमें, ये यहाँ देखेगा एक ही ऑप्शन में। 4 2 6 2, 4 और 2 6, 4 10, 10 8 18, नहीं 10 6 16 होगा यहाँ पे, 16 10 6 16 और 8 24, ठीक है। 20 1 19, 1 1 19 हो रहा है, क्यू आएगा यहाँ पे पी के बाद, एक ही ऑप्शन में। हाँ, वी प्लस पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, वी इज द वाइफ ऑफ एम, एम डिवाइड बाय पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, एम इज द ब्रदर ऑफ आर, आर माइनस पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, आर इज द डॉटर ऑफ के, ठीक है। हाउ इज आर रिलेटेड टू वी, आर रिलेटेड टू वी है, आर रिलेटेड टू वी, सिस्टर इन लॉ है, हस्बैंड्स, हस्बैंड सिस्टर है ये ना। एक ये क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है मुझे इसमें, जो मुझे पता नहीं चल रहा, नीरज से स्वीकार करते हैं, ओगर से क्या करते हैं, काव करते होंगे मेरे ख्याल से, बोर नहीं करते। मैथ्स कर लेते हैं फटाफट, देखता है कितनी जल्दी कर सकता है। इन अ स्कूल 720 स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स इज दिस, 8 बॉयज गर्ल्स, 8 72, 9 23 27, 9 5 45, तो एंड हाउ मेनी न्यू बॉयज मे बी अलाउड टू द स्कूल इफ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड, सो दैट द रेशियो ऑफ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड, तो ये कितनी हो गई, 450 और 8, 468, ठीक है। 2 रेशियो 3 हो गया, 3 की वैल्यू कितनी है, 3 3 एकम 3, और 3 एकम 3, 3 5 15, 3 6 18, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 6 12, 2 5 10 11, 2 1 2 और 1 3 तो 12, कितने, 30 और 12, 42 बच्चे और आ गए, 42 बॉयज और आ गए। वेन द इंटीजर्स 10 0 अरेंज इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑलवेज रिमेन इन द मिडल ऑफ द अरेंजमेंट, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग में करोगे तो -7 -5 0 5 10, डिसेंडिंग में करोगे तो 0 0 बीच में आएगा। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी, एबी इज इक्वल टू 9, एसी इज इक्वल टू 7, देन द लेंथ ऑफ द मीडियन, AB is equal to 9, AC is equal to 7, BC is equal to 12. The length of median AD. AD कैसे निकालूँ अब मैं? मीडियन है ना ये, 6 और 6 मान लो, ठीक है। तो AD का स्क्वायर वैसे कर लेते हैं, इसे AD स्क्वायर प्लस में DC स्क्वायर 36 इज इक्वल टू ये 9 81 प्लस में 7 49, ठीक है। AD स्क्वायर कितना जगह हमारे पास, अपोलनिस थ्योरम है शायद ये, 9 और 1 90 और 40 130, और गड़बड़ कर दी मैंने कुछ,
टाइम सब कुछ होता था क्या? ये 72 हो गया, देखते हैं। 9 58 तब भी नहीं आएगा। 29 तुक्का मार देता हूँ, अभी बाद में देखेंगे। इन ट्रैंगल ए बी सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इन ट्रैंगल ए बी सी ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, देन ओ बी ए इज इक्वल टू 54, ओ बी ए इज इक्वल टू 54 डिग्री, इसके सामने तो ए भी 54 हो गया, ठीक है। देन ओ सी ए, ओ सी ए ये बताने में, ठीक है, ये 54 54 है, तो हम कैसे बताएं अब? तो 54 108, ये 108 हो गया मान लिया, ठीक है। अब ये नहीं पता मुझे कैसे पता चलेगा ये, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है। इससे कुछ पता भी नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा ये मिड पॉइंट है तो ये भी बराबर है ना, सिंपल ही तो क्वेश्चन है यार ये। ए मिड पॉइंट, ए भी बराबर, बराबर कितना बचा है? 72, 72 का था, 36, 36 बच गया, सिंपल क्वेश्चन था। कभी कभी एग्जाम में अटक जाता हूँ मैं भी। और अ बल्ब मैन्युफैक्चरर फाउंड दैट 19% ऑफ इट्स टोटल प्रोडक्टिविटी इज फॉल्ट, ठीक है। नंबर ऑफ लॉसेस, लॉस लेस प्रोडक्ट, 81% की वैल्यू है इतनी, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, 19 की वैल्यू बतानी है, तो 81 की वैल्यू है, 81 तो नहीं, 162, 8 बजे 81 कम 81, एक की वैल्यू 21, 21 में 189, 9 तो एक में ही है लास्ट में। फाइनल लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस, लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस क्या होगी? अंडर रूट लीस्ट वैल्यू तो कितनी होगी इसकी? 8 और 8 और नहीं हो सकती, ऐसे नहीं होगी। लीस्ट वैल्यू मेरे को याद ही नहीं कैसे निकाली थी मैंने इसकी। इसका होता था रूट ए बी, 16 गुना 25 का अंडर रूट करूँ तो मैं 4 5 20, 2√ab होती होगी इसकी मिनिमम वैल्यू, 20 × 40 आएगा, और या फिर √a+b इसकी मैक्सिमम होती थी। नहीं, 4 और 5 9, ये मिनिमम थी, 40 से आना चाहिए आंसर, बाद में देखेंगे दोबारा से। टू बुक्स ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम, सॉरी टू बॉयज है, टू बॉयज ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम टू राइड फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ 60 किलोमीटर अवे, ठीक है। अ ट्रेन ए ट्रेवल्स 4 किलोमीटर एन आर स्लोअर देन बी, ठीक है। वेन बी रीच इज मेरठ इमिडिएटली टर्न बैक एंड मीटिंग ए, ठीक है। ए एंड बी हैं, ठीक है, बी पहले मेरठ पहुँच गया यहाँ पे और इमिडिएटली टर्न बैक कर रहा है ए, और ये 12 किलोमीटर यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ए यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, ए कितना चल रहा है यहाँ पे डिस्टेंस का रेशो, ए और बी, ए चल रहा है यहाँ पे 48 किलोमीटर, बी कितना चल रहा है 60 और 12 72 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, पढ़ाया हुआ मैंने ये। तो जब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम है, मीटिंग टाइम सेम है, तो डिस्टेंस और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 12 × 48 कितना, 24 × 48 24 × 72, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? ए ट्रेवल्स 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर की स्पीड से कम चल रहा है, ठीक है, एक की वैल्यू 4 है, तो इसकी स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर, और इसकी कितनी है? 8 4 12 किलोमीटर पर आवर, तो वट इज द स्पीड ऑफ द ए? 8 किलोमीटर पर आवर। आगे पूरा समझा दिया क्वेश्चन ही। द इक्वेशन विल हैव वन रियल एंड वन कॉम्प्लेक्स, 3 5 15, 2 कॉम्प्लेक्स रूट, बी स्क्वायर माइनस ए सी कर लो इसमें से फटाफट, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ जाएगा ये? 16 प्लस में 5 6 15 6 60, रियल रूट्स आएंगे इसके अनइक्वल, रियल रूट्स विच आर इक्वल नहीं, 2 कॉम्प्लेक्स नहीं आएंगे, 1 रियल एंड 1 कॉम्प्लेक्स नहीं आएंगे, रियल रूट्स हैं दोनों के,
अगर एक ग्रेटर देन जीरो होता है रियल होता है। फाइनल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हुज इनकम इज मोर देन 25,000 बट लेस देन 45, 45 और 45 और 5, 50 80 और 80 और 100, 180 और 10, 190। सो ऑन वाइल सेलिंग टू गुड्स एट द सेम टाइम मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन वन एंड सफर्स अ 10% ऑन द लो, 1% का लॉस हो जाएगा उसे, ही मेक्स अ लॉस ऑफ 1%। ठीक है, साइन थीटा माइनस कोट साइन थीटा और कोस थीटा बराबर है तो 45 डिग्री है, इनके ये करोगे तो पावर फोर करोगे तो 1/4 प्लस 1/4 1/2 आंसर हो जाएगा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 252 स्क्वायर सेंटीमीटर, इस लेंथ एंड ब्रेथ आर इन द रेशियो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है इतना सतह 63 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये 9 से काट दो, 9 एक्स स्क्वायर भी आएगा, 9 3 9 2 18 9 8 72 7 6 28, एक्स की वैल्यू आ गई 2 2 18 2 7 14, वेरीमीटर कितना जाएगा 18 और 14 32 2 64। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द 2 ईयर्स इज दिस 874 पी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 100, इसका कोई मतलब ही नहीं, 874 सो ये डायरेक्ट। ए एम माइनस बी, ए माइनस बी स्क्वायर दिस 5, ए माइनस बी का होल स्क्वायर 25 प्लस में 3 24 72 25 7 कर ही लो जल्दी से, 5 7 5 5 7 35 5 45 48 485। इफ इन अ कॉलोनी ए एन सी रेशियो मेल टू एडल्ट, मेल एडल्ट टू फीमेल एडल्ट इज 2:1 एंड 3:2 ए और सी में, वट विट बी द डिफरेंस बिटवीन द मेल एडल्ट एंड टोटल फीमेल इन दू टू कॉलोनी। ओके निकाल लेते हैं, ए में कितने बनते हैं 15%, 15% ऑफ कितना हो जाएगा इसका 0 15 15 135 15 6 8 13 73। ठीक है, 3 की वैल्यू ये, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, क्या बताना है टोटल मेल। ठीक है, 3 की वैल्यू ये है 3 2 9, 1 की वैल्यू कितनी 3 2 6 3 6 12 3 5 15 2450, दोनों कितने हो जाएंगे, एक तो 2450 फीमेल हो गई, ठीक है मेल कितने हो जाएंगे 2 2 5 10 2 6 8 1 9 2 3 4 49 100 ये मेल हो गए। ऐसे ही सी में, सी में कितना है हमारे पास 25%, 1/4 कर दो इसका, 1/4 कर दो 25%, सीधा ही लिख लो यार 25 नहीं मैं 225, 25 100 और 22 100 22 122। ठीक है, 5 के लिए है 5, 1 के लिए कितनी जाएगी 5 2 10 5 6 20 5 5 25 2 2450, इसकी भी 1 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू 2450 है, 2 की वैल्यू 49 400 इसकी फीमेल आ गई, और मेल कितना जाएंगे 3 5 15 3 6 12 1 13 3 2 6 और 1 7 7750 मेल आ गए। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है तो ये तो कट जाएंगे यहाँ पे फीमेल और मेल, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो फटाफट, 0 5 में से 5 6 0 13 में से 4 9 6 में से 2 4 49 100 आंसर आ जाएगा। वट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ओके मिनिमम वैल्यू डिज नॉट एग्जिस्ट, ओके साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, या फिर ऐसा कर लो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोस 2 थीटा, कोस थीटा कोस स्क्वायर 2 थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू स्क्वायर की हमेशा 0 होती है, इससे मिनिमम नहीं जा सकती वो। ठीक है, इन एन इन एन एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ प्रैक्टिकल्स टू थ्योरी मार्क्स इज दिस, 80% ऑफ मार्क्स आर स्कोर्ड इन द प्रैक्टिकल एंड 60% ऑफ द मार्क्स आर स्कोर्ड इन थ्योरी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, 300 और 700 मान लो इसको, 80% मार्क्स स्कोर्ड इन प्रैक्टिकल, इसका 80% कितना होगा 240, 60% मार्क्स स्कोर्ड इन द थ्योरी, इसका 60% कितना होगा हमारे पास 6 7 42 420 00 कितने 2 21 9 12 3 6 3 7 21 4 7 थ्योरी टू प्रैक्टिकल पूछे 7 4। ए एंड बी वर्किंग, ए एंड बी 4 दिन में खत्म करे, ए वर्किंग लोन कैन फिनिश 6 दिन में खत्म करे, 12 एलसीएम आएगा 3 और 2 1, इसकी बी का ऑप्शन सी एक आएगी 1 12 दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, यू इज 20% लेस देन वी, यू वी ठीक है, यू इज 20% लेस देन वी 1/5 से 4, वी 40% मोर देन 800, 800 से 40% क्या हो जाएगा 2/5 से 7। ठीक है, 5 16 16 7 112 ये है यू की वैल्यू,
वी इज, सॉरी वी की वैल्यू ये है, तो एक की वैल्यू, यू की वैल्यू पूछिए, चार की वैल्यू, 5 × 10, 5 × 10, 5 × 20, 4 × 16, 4 × 8 = 9, 4 × 8 896। A retailer in Mathura claims that he is selling sugar at the rate which costs 26 per kg, but he is giving CPSP 800 gram instead of 1000 grams. ठीक है, 0 2 0 2 0 हटा दो यहाँ पे, 0 5 2 5 10, 2 4 4 6 24, और कितने से जाएगा ये, 2 3 6 2 13, 13 से 5 3 15, 2/13 उसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज 13 1 13, 13 कितना बचेगा, 2/13 ही होगा ना, 200/13 है ये, 13 1 13, 13 5 65, 15 पॉइंट समथिंग आएगा, अरे यार 13 5 65, 5 बजा 13 3 39, 15.3 एक के ऑप्शन में। अशोक की वो सेल ए प्रोडक्ट ऑफ दिस इन अंदर 12.5% प्रॉफिट, 8 से 9 सेल्स इतने पे करा, 3267 पे, एक के वैल्यू कितने, 9 9 27, 9 5 9 6 54, 9 3 27, ठीक है, और एक की वैल्यू कितने, 8 की वैल्यू कितने जगह, 8 से 24, 8 से 48, 2 50, 8 से 24 और 5 2904। हाउ मच विल द हाफ ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ दैट आइटम विल बी इक्वल टू, ठीक है इसका आधे करना है, 2 1 2 2 6 8, 2 5 10 2 3 4, 1452। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द क्या ये डेल्टा, सो दैट द क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं है इसको, डेल्टा बोलते हैं, सो दैट सिस्टम इक्वेशन हैज नोन जीरो सोल्यूशन, ठीक है, 2/1 = 1/डेल्टा जो भी है, ठीक है, डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, 0.5, कोएफिशिएंट इक्वेट कर देना है बस, चाहे नो जीरो या जीरो कुछ भी हो। व्हेन द लेंथ ऑफ द शेड ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये 45 डिग्री है, द एलिवेशन सोर्स ऑफ हाइट 45। इफ द कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल एक्स इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ एंगल 4x, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल एक्स 90 - x, ठीक है, इक्वल टू द एंगल 4x का सप्लीमेंट 180 - 4x, सप्लीमेंट ऑफ एंगल वाई इज 4 टाइम्स द सप्लीमेंट ऑफ एंगल वाई 180 - y इज 4 टाइम्स द ऑब्वियस कॉम्प्लीमेंट 4 टाइम्स ऑफ 90 - y, ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है, ठीक है, हो गया, कितना जाएगा, 4x इधर आएगा, 3x इधर, 3x की वैल्यू 90, x की वैल्यू होगी 30, ठीक है, ये इधर से करोगे तो 4 9 9 6 36 और 4y इधर है तो 3y इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 60, x प्लस वाई कितना आएगा, 90 डिग्री, खत्म। द एवरेज वेट ऑफ 104 बैग्स इन गोडाउन इज दिस, ये लेंदी क्वेश्चन आ गया यार, दैट ऑफ द रिमेनिंग 36 बैग्स 75, द फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द ऑल द बैग्स, ठीक है, अब इनटू करना पड़ेगा यार, तो और कैसे कर सकते हैं, 36 5 180, इसको ही कर लो पहले, ठीक है, 36 5 180 और 36 7 कितना होता है, भूल गया मैं तो, पहले इसको ही कर लेते हैं, ये सही है, 4 किसी 21 4 कटेगा, ये 4 × 8, 4 6 24 26 26 से कर लेते हैं, 26 × 4 हो गया, तो इसका सम कितना जाएगा, 4 5 20, 4 3 12, 4 1 4 और 1 5, ठीक है, 522 × 26, 26 × 52, 26 × 52 = 57 और 26 5 130 और 5 135, इतना आ गया, अब इससे करेगा तो 26 7 36 7 निकाल लेंगे यार, 12 3 मान लो इसको यार, 3 12 5 60, 12 7 84 और 6 90, 9 3 2700 हो गया ना, 2 7 और 5 7 12, 3 और 3 6 1 16, 272 डिवाइड बाय 140, ठीक है, ख़त्म क्वेश्चन, 14 निमे 114, 14 कम 14 और 14 कम 14, 14 5 84, 3 बजे 14 28 और 116.2 समथिंग आएगा, अरे दो ऑप्शन में है तो, 14 28, 4 बचा, 14 3 42, 14 तो गड़बड़ कर दी मैंने कुछ, 14 2 28 था, 4 बचा था, 0 तारा, 14 3 14 2 28, 116 2 पॉइंट, ये तो रहा 116 2.3, 3 ऑप्शन में ना, ये रहा अप्रोक्सीमेट, टाइम वेस्ट करा दिया इसने मेरा, एक ये क्वेश्चन रह गया और एक ये वाला क्वेश्चन देख लूँ फिर भी, लेंथ ऑफ मीडियन क्या होती है निकालते हैं अभी, ए बी सी, ए बी इज इक्वल 9 और ए सी इज इक्वल टू
सेवन बी सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मीडियन होती है मेरे ख्याल से ए डी है ना, ये तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट हाफ ऑफ टू टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 माइनस टू टाइम्स ऑफ, या टू टाइम्स ऑफ इसका होता होगा माइनस में 981 और 49, 981 990 40 130 और ये कितना जाएगा 288, कितना जाएगा 158, कुछ भी कर दिया मैंने तो 29 ही आना चाहिए शायद, देखेंगे फिर से बाद में। ठीक है इंग्लिश कर लेता हूँ फटाफट, रीजनिंग में रहेगा कुछ नहीं, इंग्लिश करते हैं फटाफट। दिस डैश अपीयर्स इन हिज वर्क, दिस फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन अपीयर्स इन हिज वर्क विच आर फुल ऑफ आर्टिस्टिक ग्रेस एंड डेंटी, फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, ग्रेस एंड डेंटी डेलिकेसी रिफाइनमेंट यही होगा। ही किल्ड द डॉग बाय स्टिक विद अ स्टिक, ए बी डी ई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द एथिकल एस्पेक्ट, डी है सबसे पहले तो पर हैव द मोस्ट इम्पोर्टेंट एथिकल एक्सपेक्ट इज, बट एटलीस्ट नहीं होगा बी, आउट ऑफ मैनी एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द एथिकल एस्पेक्ट इज पर हैव द मोस्ट इम्पोर्टेंट बट लीस्ट क्वालिफाइड, यही होना चाहिए। आई पेड हर अ चार्मिंग कॉम्प्लीमेंट प्लीज, क्लोजेस्ट मीनिंग डेक्शन ला फेस मिनिस्टर मेड अ फॉरेन, अरे यार थोड़े पास ही कर लें इसको मैं, चार तक निकल गया। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मेड अ फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट इन अ पार्लियामेंट यस्टरडे, अपन पॉलिसी स्टेटमेंट पैसे बताना है ना, वॉज मेड आएगा सिंपली। द मैन इज द ओनली लिविंग क्रीचर दैट कैन थिंक एंड इन्वेंट, हु कैन आएगा ना यहाँ पे। द टीचर कैप्ट स्टॉपिंग हर ऑनलाइन लेसन सिन ओकेजनली टू चेक इट इफ हर स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग इट, इंटेंशनली आएगा, अनरिस्पॉन्सिबली इम्पार्शली बाहर में देखते थे। नीदर डज ही नोर हिज पेरेंट्स लाइक शाम, सही है। द सर्वेंट हेल्प द मास्टर बाय हेल्पिंग थीज टू द हाउस व्हाइल द फैमिली वाज अवे, betrayed the master by admitting PSS the alphabet from the क्या लिखा है two scans who in S के बाद वो इन आर तो नहीं है, इसके बाद पीर के वो इन द रोमन्स बोरोड एंड एडेप्टेड फ्रॉम द ग्रीक कॉलोनीज सेपरेटली, फ्रॉम द ग्रीक कॉलोनीज सेपरेटली द रोमन्स बोरोड एंड एडेप्टेड पी आना चाहिए सबसे पहले। द
Romans borrowed and adapted the alphabet from the Etruscans, who in turn had borrowed and adapted it from the Greek of Italy. Flexible, defiant. Many people from the village have migrated for searching for work, searching for work. The architects have built a sturdy tower in the middle of Melbourne city. Sturdy tower has been built. Rahul likes to keep his house spick and span, neat and clean. One who specializes in the waste disease spread among people. Pandemonium epidemiology. फील अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर टू डे हैंग कर हाँ करके दिखाएंगे ऐसे उसमें मेरी पीडीएफ में है इंग्लिश वाली में ये वर्ड मैम ने ऐसे याद कराया था हाँ करके दिखाएंगे हैंग कर टू डिजायर आई वुड ग्लैडली अकंपनी यू टू आइसलैंड इफ यू हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव चाहिए इसमें मोस्ट बैट्स हाइबरनेट फॉर लॉन्ग पीरियड्स ड्यूरिंग ड्यूरिंग विच द कोर वर्ल्ड टेम्परेचर्स Fall low as 43 degrees. Fall as remorse, repentance, regret. The kids have been pestering me to buy them new toys. Pacifying nahi aayega. Iska opposite batana. Pacifying yoga is opposite to. I understood why these highly trained professionals remain in closets. I was one of them. We could not deny our own experiences and senses. Yet our training was in many ways dramatically opposite to the information, experience and beliefs we had accumulated, so we remained quiet. जीके कर दो फटाफट. Which of the current is not a cold current? नहीं पता मुझे. Under which of the arrangements the parliament can make law straight place subject to giving effect to the international agreement? Forming the feelings the rarest element. Right on. Uranium over uranium. Which of the following persons declared a winner of the Sastra Ramanujan Prize? A.S. Vishwamitra of Bahamani Sultanate. First capital was established. Bahamani Empire. Name of the book written by Mahatma Gandhi Indian citizens, the British rule would come to an end. India did not cooperate with them. पता नहीं तुक्के मारो इन दिस राज Sitting dash schedule of the constituency deals with the names of the states and their territory. First year. Which of the following are also known as Hansen's disease, HD? Long term bonds, what is my? Leprosy, kya hai? Yehi hoga. Which Chola ruler called Victor of the Gangas? Rajendra. Harappa. Hopper.
हो गए जी के तुक्के यार, इतने ज्यादा मार दिए तुक्के तो। यूएसए में पार्लियामेंट होती है और ये गड़बड़ हो रही है। एक इंग्लिश में एक ये है और एक ये है मैथ्स में। मैथ्स में ये वाला क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है मुझे। 2 मिनट देता हूँ फिर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एक बार लास्ट बार ट्राई करते हैं। ए बी इज इक्वल टू 9, ए सी इज इक्वल टू 7, बी सी इज इक्वल टू 12, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू मीडियन, तो ये 6, ये भी 6, ठीक है। लेंथ ऑफ मीडियन बतानी है ना, एंगल तो पता नहीं है हमें कोई भी। चलो एंगल से ही कर देता हूँ ना, एंगल से इजी पड़ेगा ये। कोस थीटा लगा देता हूँ फटाफट, थीटा वेरीफाई हो जाएगा। कोस थीटा लगाऊँ पूरे वाले ट्रायंगल में तो कितना आएगा, 9 का स्क्वायर, ये 12 है, ठीक है। कोस थीटा इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 प्लस में 144 माइनस में 49 डिवाइड बाय 2 × 9 × 12 इज इक्वल टू, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में लगाऊँ कोस थीटा तो कितना आ जाएगा, 6 है ना, ये निकालनी है। 36 प्लस में 81 माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 × 9 × 6, ठीक है, हो गया सोल्व। दोनों में कटा, 6 × 2 = 12, यहाँ से उड़ गया। और 1 और 4 = 5, हाँ 1 और 4 = 5, 4 और 8 = 12, और 1 और 1 = 2 = 25 माइनस 49 कर ही दो फटाफट। 15 में 9 हो गया 6, 21 में 4 = 17 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे बचा था 2 से भी डिवाइड ही कर देता हूँ इसको। 2 8 16, 2 8 16 2 8 16 88 इज इक्वल टू 1 और 6 = 7, 8 3 = 11 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना आ गया यहाँ से 17, 117, 12 और 17 29, एक्स कितना आ गया, √29 आ गया, वही आंसर। तुक्का भी सही मारता हूँ हमेशा मैं। और एक ये रह गया इसका, मेरे ख्याल से 2√AB है आंसर। 2√AB 16 × 25, 4 × 5 = 20 × 39 यही होगा इसका भी, ठीक है। एक इंग्लिश का ये रह गया, ये भी सही होगा मेरे ख्याल से तो। और कॉन्ट्स हो गया, रीज जिक्के तुक्के हो गए सारे, और एक ही हो गया। सबमिट करते हैं फटाफट, नेट चल रहा है या नहीं एक बार देख लूँ मैं। चल तो रहा है, सबमिट। गुड, वेरी गुड। इसमें एक एक क्वेश्चन कौन सा गलत कर दिया मैंने, देखते हैं अभी। मैथ्स में ऑलमोस्ट मतलब सारे ठीक है। मैथ्स में वही एक एक दो क्वेश्चन ये थे कि गलत कौन से हो सकते थे मैथ्स में, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा पेपर था ये। गलत वो हो सकते थे मैथ्स में कि जो आपको चीज़ें पता नहीं है। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो आपको पता नहीं चलेंगे। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे कि जिनका मे बी काफ़ी बच्चों को आइडिया ना हो, जैसे वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वाली थी। तो मैंने तो यूट्यूब पे कराए हुए, वो चीज़ मेरे को भी याद नहीं थी, लेकिन मेरे को जो चीज़ें याद रहती हैं ना, मैं उनसे कुछ भी मल्टीप्लाई करके निकालने की कोशिश करता हूँ उनसे, ठीक है। एक क्वेश्चन मीडियन वाला काफ़ी बच्चों का ठीक होगा, कुछ बच्चे वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बच्चे मतलब कलीग्स।
और इसके अलावा रीजनिंग में देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, गलती भी दिखा देता हूँ फटाफट। हाँ यही वाला गलत हुआ है, ओवर का मतलब ही नहीं पता था मुझे है क्या। ओवर बोरिंग, मेकिंग अ लॉन्ग डीप होल इज डूइंग ए ओवर। ओवर क्या होता है ये देख ही लेता हूँ। ओवर मीनिंग इमेजेस देखते हैं। अच्छा वो होती है ड्रिल मशीन, खुदाई करने वाली बोरिंग। ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गई एक मैथ्स में, ठीक है। इंग्लिश में द मैन इज द ओनली लिविंग क्रीचर दैट कैन थिंक एंड इन्वेंट। क्या गड़बड़ है इसमें, द मैन में गड़बड़ है क्या? मैन इज आएगा, द मैन नहीं आएगा। द टीचर केप्ट ओकेजनली, ये गड़बड़ क्वेश्चन है भाई इनका। इसमें ओकेजनली सूट नहीं करता, ओकेजनली तो कभी कभार होता है, वैसे सूट भी कर सकता है लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग थोड़ा बेटर हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि मेरा गलत हो गया ना। एंड ये वाला क्वेश्चन भी सिली मिस्टेक। ओके तो एक क्वेश्चन यहाँ पे, ये तीनों में मैथ्स मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग, इसमें तो फुल होने चाहिए आपके हमेशा, ठीक है। हमेशा तो नहीं होंगे लेकिन ऑलमोस्ट ट्राई करना कि एग्जाम में इसमें से 140 प्लस स्कोर आप रखो, तभी आपके सिलेक्शन होने वाले हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। और जीके में इतने कैसे ठीक हो गए, तुक्के मार मार के मुझे भी नहीं पता। इसका आर्टिकल कौन सा है फटाफट देख लेता हूँ। नोट अ कोल्ड करंट शोर यू करंट, ये मैं जानता ही नहीं इसको तो कौन है। आर्टिकल 253। देखो टेक्स्ट बुक में एक और चीज़ क्या है कि जो भी नीचे इसकी डिटेलिंग होती है काफ़ी अच्छे से होती है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। मेरा तो मन नहीं कर रहा, अभी टेस्ट दे दिया तो मैंने आपको सिखाया, मतलब ये भी चीज़ बताई थी कि मॉक टेस्ट देते ही आप अगर एनालिसिस की तरफ जाओगे तो उस पर ध्यान नहीं दोगे, बाद में भले ही आराम से थोड़े 10 मिनट लगा के उसको एनालाइज कर लो। तो अभी के लिए सिर्फ मॉक दे के आप थोड़ी देर आराम किया करो, फिर बाद में और कुछ भी पढ़ लो, फिर शाम को दोबारा से रिविजन कर लिया करो इसकी, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्कोर में कंसिस्टेंट रहना है, फिर से मैं बताता हूँ इसका ओवरव्यू क्या था मॉक टेस्ट का। एग्जैक्टली एग्जाम में जो आने वाला है ना, मैं बता रहा हूँ वही एग्जैक्ट इसमें था, कुछ इरेलीवेंट नहीं था इसमें, इरेलीवेंसी के नाम पे कुछ भी नहीं था, और रिलेवेंट था एकदम जैसा एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। कुछ भी डिफिकल्ट की तरफ मत जाना, और जैसा इसमें है अभी अभी जो पिछला मॉक था उसमें सिली मिस्टेक करी थी, इसमें नहीं करी, बस इतना फर्क है। और अभी धीरे धीरे सारे मॉक्स अटेम्प्ट करेंगे, जो अच्छे क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसमें मैथ्स में अच्छे क्वेश्चन थे 2 से 3, तो वो भी जाके दे देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।